गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है शुभम। और गाइस आज मैं बताने वाला हूँ हाउ एक्सपेंसिव रशिया इज़। मैं यहाँ पे भी थोड़ा घूमता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे जो सामान है, जो नॉर्मल सामान है डेली यूजर्स के, वो कितने के मिलते हैं। मैं अभी सेंटर में हूँ, ये देखो ये चर्च है यहाँ का। ओके, तो यहाँ पे खुला है, मैदान बहुत है। और अभी चलते हैं कुछ खरीदने। ओके, तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देखो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खरीदने दिखाने। बेसिकली अभी स्नो स्टार्ट हुई है, तो स्नो थोड़ी कभी कभार आती है, कभी कभार नहीं आती है, तो उसके कारण है ना। देखो यहाँ पे ऐसे वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये सब स्नो है और अभी मेल्ट हो रही है। और जब मेल्ट होती है तब बहुत गंदा मौसम हो जाता है, मतलब चल नहीं सकते। यहाँ तो ठीक है, बट रोड साइड एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो जाता है, और गाड़ी आने जाने वाली फिर छींटे दे के जाती है, कपड़े गंदे करके जाती है। देख रहे हो कितना खूबसूरत है। ओके गाइस, मास्क लगाना पड़ा, अंदर नहीं आ सकते बिना मास्क के। दोस्तों अनाउंसमेंट हो रही है किसी की कार वगैरह पार्किंग के लिए। ओके चलो कुछ खरीदने चलते हैं, क्योंकि कुछ खरीदना नहीं है ज़्यादा कुछ, बट कुछ खाने का सामान कितना महंगा मिलता है। भाई सभी यहाँ पे क्रिसमस की तैयारी चल रही है, यहाँ कोई लोग बैठ रहे हैं क्रिसमस, कोई सजा रहे हैं। देखो क्रिसमस सभी आने वाले हैं ना, यहाँ पे 7 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं, 7 जनवरी को, बट 31 को क्रिसमस ट्री वगैरह लगा के सेलिब्रेट करते हैं। तो 75 पर किलोग्राम के ये जूस क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे मंडारिन बोलते हैं। तो न्यूयॉर्क में ज़्यादा खाया जाने वाला फूड है यहाँ पर। किसी को अगर इंस्टेंट भूख लगी है तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। ये पाइज है, किसी में मीट है, किसी में बिना मीट का है, किसी में एप्पल पाई है। ओके ये दोनों वगैरह ट्राई कर सकते हो। किसी को माउंटेन ड्यू लेना है, 76 का ये है, मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से भी 76 ही बनता है, 78 मान लो इसको। थोड़ा बहुत इंस्टेंट नूडल्स, ये इंस्टेंट नूडल्स है, इसके अंदर मीट है, बट मीट इसके अंदर मिक्स नहीं, इसका एक पैकेट आता है, वो डालने के बाद मसाला जैसे डालते ना मैगी में वैसा। देखो इसमें चिकन का है ये, और ये इसकी प्राइस है 44 रूबल प्लस 245 रुपीज़। ओके तो ये डेली यूज़ के सामान हैं, जैसे टोमेटो केचप हो गया 16104 का एक्चुअली, बट अगर इसके अंदर जो कार्ड यूज़ करेंगे तो 69 का पड़ेगा। अच्छा केचप 272 रूबल है ना, महंगा। अगर कुछ ब्रेड वगैरह देखते हैं तो वो भी महंगी पड़ती है, मतलब सही है। नॉर्मली 40 रुपये की ब्रेड है, ये वाली जो ब्रेड है 40 की है, जो ब्राउन ब्रेड है जो मैं अक्सर खाता हूँ 37 की। चावल वगैरह की रेट देख लेते हैं, तो यहाँ पे गोल्डन राइस जो जोलोतोई का मतलब होता है, गोल्डन राइस 144 के हैं। बेसिकली यहाँ पे बासमती राइस भी बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है। इंडियन राइस हिंदी का इंडियन लिखा है ना, और ये 76 रूबल यानी 450 ग्राम है, 76 रूबल का है ना। अपने 30-40 रुपये किलो तो मिल जाते हैं ना राइस, यहाँ पे बहुत महंगे हैं राइस। और बासमती राइस में को दिख ली जैस्मिन राइस है, इसमें लिखा है जैस्मिन राइस, इसकी प्राइस है 98 है, बट ऑफर में 83 का मिलता है। दूध लेते, दूध की जो प्राइस रहती है ना, वो देखो दूध की प्राइस दिखाता हूँ। ये 900 ग्राम का जो है ये 691 का है, ये दूसरा वाला है शायद ओके, देखो इसकी 961 और 98 प्राइस है, तो उसमें बार कोड रहता है एक्चुअली, इसके सब प्राइस देखते हैं, प्राइस चेंज होती रहती है। ओके तो ये है मिल्क की प्राइस, इसके अंदर भी है जैसे 3.2, ये 3.2 है और ये 3.2 का, और 2.5 वाला ये रहा। ओके सो अलग अलग है। देखो गाइस यहाँ मैगी तो मिलती नहीं है, बट ऐसे वाली जो नूडल्स मिलते हैं, जो 2 मिनट के नूडल्स होते हैं, टूटली बन जाते हैं, चिकन का रहता है इसके अंदर, 24 का मिलता है ये।
24 पे 99 25 रूबल हो गया। और देखो यहाँ पे जो ये मटर होते हैं ना, ये जो सब्जी में यूज़ लेते हैं और सिक्के में पैक आते हैं, मोस्टली यहाँ पे यही मिलते हैं 95। ये सॉरी इसका प्राइस है, जो ये मक्का है उसका प्राइस है 95, इसका है 103। को मोस्टली ये घर पे भी बनाते हैं ऐसे, यहाँ के लोग जो कांच के में मिलता है ना वो घर पे बनाए जाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे मोस्ट फेमस जो अचार है वो है जैसे ये टमाटर का अचार, जस्ट इसमें टमाटर है, सोल्टी वाटर है और विनेगर, हल्का सा विनेगर डालते हैं। ये देखो ओके, कैंडीज के जो शौकीन होते हैं जैसे कि मैं, हाँ ये वाली कैंडी अच्छी लगती है, बट बनाना फ्लेवर अच्छा नहीं लगता मेरे को। बट इसकी प्राइस है 51 का 100 ग्राम है, 52 का आस पास। ओके सर, स्नीकर्स 46 के हैं, ये 45 पे 99। तो स्नीकर 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम के अंदर कितने आते हैं, लगभग 4-5 आते हैं। और वैसे मेरी जो मोस्ट फेवरेट चॉकलेट है ना वो है ये वाली, खा के देखना इसको, बहुत मस्त चॉकलेट है। तो इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी मेरे को वहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं है, जो मैं लेने गया था वो मेरे को नहीं मिला, तो मैं किसी दूसरे शॉप में जाऊँगा यार। तो ये देखो, ये अभी यहाँ पे न्यू ईयर का प्रिपरेशन चल रहा है, ओके। अभी एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी से कॉल आया, मेरे को बुलाया कुछ तो काम है उन्हें, तो जाना पड़ेगा, और मैं यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में था, चलते हैं। ये है देखो मेरी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर मैं अभी घुसने वाला हूँ। आपको गाइस इसका भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे हम चेंज करते हैं जो ड्रेस वगैरह है, यूनिवर्सिटी में क्या रूल है, जो नॉर्मली मैंने पहले की वीडियो में भी दिखा रखा है, मैं इस वाली वीडियो में भी दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या करते हैं। सलाम वालेकुम। सो हाय बोला इन्होंने, मतलब मेरा वीडियो देखते हैं। नमस्ते। थैंक यू। श्योर। ओके तो अभी ये जगह चेंज करने की, मतलब कोट वगैरह चेंज करते हैं, अंदर जमा कराते हैं, और आँखों पे मतलब चश्मों पे धूल बिछा रखी है, तो करते हैं चेंज। यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी में आने के बाद ये मिलता है, ये मेरा वो है जहाँ पर मेरा कोट रखा हुआ है, वहाँ से मेरे को लेना है जाते टाइम, और मैं आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी। सो फाइनली यूनिवर्सिटी से निकल गया हूँ, बहुत टाइम लग गया एक्चुअली, कुछ काम था उन्हें, और अभी कुछ चलते हैं कुछ ख़रीदने। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कैसे क्या प्राइजेस है, अभी दूसरी जगह चलते हैं। और यहाँ पे अभी 4 बजे हैं लगभग, 4 बजे नहीं 3:30 के आसपास हुए, और अभी अंधेरा सा होने लग गया है, क्योंकि ये रशिया के अंदर सर्दी के अंदर जल्दी अंधेरा हो जाता है, लगभग 4 बजे एकदम अंधेरा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में आपको पता, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे अलग सीन रहता है, गर्मियों में यहाँ लेट अंधेरा लेट होता है रात के 10 बजे तक, और मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, चलते हैं। तो गाइस जिस जैसे यहाँ पे भी शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, रशिया अपना तेवर दिखाना शुरू कर रहा है, मतलब ठंड पड़ने स्टार्ट हो चुकी है, और ठंड भी थोड़ी बहुत नहीं, धीरे धीरे बहुत तेज़ ठंड पड़ने लगी है, और नीचे एक्चुअली है ना ये आपको जैसा बरसात का पानी जैसे कीचड़ हो जाता है वैसे दिख रहा है, बट यहाँ पर नॉर्मली जो स्नोफॉल होती है उसके कारण ही ऐसा होता है, मतलब स्नोफॉल होने के बाद बंद होकर टेम्परेचर गिरता है, तो जिससे वो स्नो पानी में बदलती है। ओके सो देखो बीच में इन्होंने कितना अच्छा एक छोटा सा सजाया है।
यहाँ पे भी ज़्यादा लोग घूमते नहीं हैं सर्दी में मोस्टली, क्योंकि ठंड रहती है, बट काम तो रहता है ये सब का, तो मेरे हाथ अभी जम रहे हैं ठंडी के कारण। चलो मैं मैगज़ीन में चल के मतलब वहाँ से कुछ ख़रीदता हूँ और वहीं पे वीडियो शूट करता हूँ। अभी कैमरा रखता हूँ अंदर क्योंकि मेरा हाथ जम रहा है। प्लेट लेनी थी मेरे को तो वाली जो चॉकलेट है ना, ये यहाँ की मोस्ट फेमस चॉकलेट है, पता है शायद सबसे पुरानी चॉकलेट है ये, मेरे को लेनी थी। पानी की बोतल लेनी है, पानी की बोतल 49 रुपीज़ की छोटी वाली बोतल लेनी बिना गैस वाटर की 25। ये इसमें गैस वाटर है, इसमें 17 की है बिना गैस वाला पानी, गैस वाला ये बिना गैस का है, ये सही रहेगा। ओके, ये बोतल मेरी 25 रुपये की है, ये प्यास लगी बहुत ज़्यादा वाली। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, कमेंट करना, और आपको कुछ जानना है रशिया के बारे में तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी पानी लिया मैंने, पिया, बहुत प्यास लग रही थी है। और अब थोड़ा जाके अच्छा लग रहा है, तो कैसे चलो, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।